डीवीआई यूनाइटेड फेस्टिवल के इस समारोह में खेल युवा और मेरे मित्र नौजवान मंत्री श्री किरेन जी, देश के वित्तीय मामलों और कॉरपोरेट मंत्रालय और युवाओं के नेता श्री अनुराग जी, डीएवी संस्थान के चेयरमैन श्री पूनम सूरी जी, डॉक्टर निशा जी, मित्तल जी, यहाँ सभी डीएवी संस्थान के पदाधिकारीगण, प्रबुद्धजन और इस संस्थान से जुड़े सभी विद्यार्थी साथियों, मैं डीवी संस्थान के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके समर्पण, त्याग और सेवा के कारण आज ये संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल का आयोजन हर साल करते हैं, जिससे वो पुराने और नए विद्यार्थियों के साथ उनको अभिभावकों को जोड़ते हुए किस तरीके से डीएवी की गतिविधियां चल रही है और किस तरीके से यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने यहाँ की शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर देश में उनका किस तरीके से व्यापक योगदान है, और वर्तमान में इस शिक्षा के और संस्कार के माध्यम से किस तरीके से हम हमारे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर देश की सेवा का काम कर रहे हैं। डीवी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें आज करीबन 917 कॉलेज और स्कूल मिलाकर और जिसमें 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस संस्थान में आज प्रवेश अध्ययन कर रहे हैं। और डीवी का इतिहास हम देखते हैं तो हमें लगता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मैं कितने ही लोगों के नाम लूं जिन्होंने डीवी संस्थान से अपनी शिक्षा प्राप्त की, संस्कार प्राप्त किए और महर्षि दयानंद जी की दिशा के अंदर देश की सेवा, समर्पण, त्याग की भावना से देश में व्यापक परिवर्तन का काम किया। निश्चित रूप से ऐसी संस्थान में आने के बाद मुझे भी गर्व महसूस होता है और नई प्रेरणा मिलती है नई दिशा की ओर काम करने के लिए। मैं सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वंदन करता हूँ। एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिनकी सोच उस समय समय से कहीं आगे चलती थी, और इसलिए उस समय का कालखंड हमारी सामाजिक कुर्तियों से, हमारी धार्मिक रूढ़िवादियों से बहुत झगड़ा हुआ था, और उस समय महर्षि दयानंद जी को एक नए समाज सुधारक के रूप में एक नए परिवर्तन की सोच देने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जब संपूर्ण समाज के अंदर धर्म के आधार पर, समाज की प्रचलन के आधार पर रूढ़िवादी समाज की ओर बढ़ रहा हो और उस समय विपरीत दिशा में जाकर समाज में एक व्यापक परिवर्तन करना, समाज सुधार में धार्मिक परिवर्तन की दिशा के लिए समाज को कहना, रूढ़िवादी अपने अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए दिशा देना, एक ऐसा विचार इस देश के अंदर महर्षि दयानंद जी ने दिया, जिसका कारण है कि आज भारत नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद जी का इतना ही नहीं था, उस समय 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार थे तो महर्षि दयानंद जी थे, जिन्होंने देश की उस समय, वो जानते थे कि 1857 से एक क्रांति से देश आजाद नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने दिशा दी, क्रांतिकारियों को विचार दिया
और क्रांतिकारियों के विचार के आधार पर उस समय एक आजादी की लड़ाई लड़ी। और मैं कह सकता हूं उस समय उस आजादी की लड़ाई के लिए उनका एक व्यापक योगदान था, समाज सुधार में एक व्यापक योगदान था, और एक नई दिशा वैदिक के द्वारा समाज में परिवर्तन करना, हमारी पुरातत्व वैदिक ज्ञान को अपनाना और नई समाज को परिवर्तन की दिशा देना, ये कितना कठिन काम होगा उस समय जब पूरा देश सामाजिक रूढ़िवादी जड़कन से जुड़ा हुआ था, उस जड़कन से मुक्त करना। और मुझे लगता है इसी सोच से उन्होंने एक नए विचार दिए और समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया। और उन्होंने ऐसे लोगों को इस समाज सेवा के लिए प्रेरित किया, स्वामी श्रद्धानंद जी हो, किशन सिंह जी हो, वीर सारकर जी हो, लाला लाजपत जी हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को। आज जितने इन क्रांतिकारियों को मैंने नाम लिया, उन क्रांतिकारियों को देश के लिए लड़ना, देश के लिए समर्पण और देश के लिए मर मिटने का एक विचार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया। क्योंकि दुनिया के अंदर व्यक्ति रहे न रहे, उसके विचार रहते हैं। और इसलिए हम जब कहते हैं कि हम हमारे पुराने महान ऋषियों की, महान नेताओं की याद करते हैं, तो उनके विचारों के आधार पर आज भी समाज में व्यापक परिवर्तन करते हैं। और महर्षि दयानंद जी के विचार आज भी समाज में व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने देखा कि हम समाज के अंदर विचार दे रहे हैं, समाज सुधारक दे रहे हैं, लेकिन हमने अगर शिक्षा के अंधकार को समाप्त नहीं किया तो इस समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उन्होंने देश के अंदर शिक्षा हर क्षेत्र में पहुंचे, शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सामाजिक कुर्तियां समाप्त होगी, धार्मिक आधार पर जो रूढ़िवादी विचार चल रहे हैं वह समाप्त होंगे। इसलिए उस समय एक कैसे युग्रस्ता थे कि उन्होंने विचार व्यक्त किया कि समाज के हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा पहुंचे। और उसी विचार से लाला हंसराज जी ने 1986 के अंदर लाहौर के अंदर एक विद्यालय की स्थापना की। और उस समय विचार विद्यालय का कैसा था कि आज की शिक्षा भी हो, वैदिक शिक्षा भी हो, भारतीय शिक्षा पद्धति की शिक्षा भी हो, और भविष्य के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी हो, इस विचार से उन्होंने लाहौर के अंदर शिक्षा का केंद्र शुरू किया। और आज डीएवी के अंदर ये एक छोटा सा नन्ना सा पौधा वटवृक्ष जो उन्होंने लगाया था, आज व्यापक रूप से इस समाज को दिशा देने का काम कर रहा है। और इसीलिए डीएवी विद्यालय महाविद्यालय एक ऐसे विद्यालय महाविद्यालय है जहां हमारी संस्कृति को भी हम अपनाते हैं, हमारे वैदिक युग को भी अपनाते हैं, वैदिक ज्ञान को भी अपनाते हैं, और आधुनिक शिक्षा देने का काम भी करते हैं। और इसलिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली खड़ी की जो आज भी अगर मैं चले जाऊं मेरे कोटा में डीए विद्यालय, मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारे बेटे बेटी को डीए विद्यालय में एडमिशन कराना है। मैंने कहा क्यों एडमिशन कराना है? उन्होंने कहा कि वहां भारतीय पद्धति की शिक्षा भी है, आधुनिक शिक्षा भी है, और दूसरी बात कम फीस के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है। ये डीएवी का मैनेजमेंट। और मैं आज उन सब मैनेजमेंट के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किस समर्पण, त्याग और सेवा के माध्यम से इस इतने लंबे संस्थान को खड़ा करा होगा कि आज देश के अंदर 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हो, लाखों की तादाद के अंदर शिक्षक हो, कितना उनका त्याग और समर्पण होगा। नहीं तो एक छोटी सी संस्थान के अंदर जहां पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो, जहां इतना सारा वित्तीय मामला खड़ा हो, वहां पर रोज मैनेजमेंट का विवाद चलता रहता है। लेकिन मैं उन सब मैनेजमेंट के पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिनके मन में एक ही था कि हमें महर्षि दयानंद जी सरस्वती के विचारों पर चलना है, समाज को कुछ न कुछ देना है, समर्पण और त्याग की सेवा के माध्यम से, और उन्होंने विचार देने का काम किया। इसलिए उस समय के विचार की शिक्षा आज भी उन्होंने चला रखी है। इसलिए एग्लो वैदिक विद्यालय की शिक्षा का उन्होंने एक नींव रखी थी जो आज भी चल रही है। मैं इस मौके पर कह सकता हूं कि आज डीएवी विद्यालय एक समाज में एक ऐसा काम कर रहा है जो नई शिक्षा के साथ,
भारतीय पद्धति शिक्षा के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ, उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर शिक्षा के केंद्र सरकार नहीं खोल पाए, उन नक्सलवादी इलाकों के अंदर जहां पर बिना शिक्षा के आज भी लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वहां डीएवी ने संकल्प लिया कि हम ऐसे नक्सलवादी इलाकों के अंदर शिक्षा के केंद्र खोलेंगे जहां पर उनको वैदिक ज्ञान भी देंगे, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी देंगे, आधुनिक शिक्षा भी देंगे और समाज की इस नई विचारधारा के साथ उन समय के सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये डीएवी का संकल्प है और इसीलिए डीएवी संस्थान केवल यहां के मैनेजमेंट के लोग का विचार केवल धन अर्जित करना नहीं, इनका विचार तो समाज के उन तमाम तबकों के अंदर जो आज भी अशिक्षित हैं, जहां शिक्षा का उजाला आज भी नहीं पहुंचा है, यह उनका संकल्प है कि समाज के हर कोने के अंदर जहां भी शिक्षा का अंधकार होगा, डीएवी विद्यालय मैनेजमेंट वहां पर जाएगा और शिक्षा का उजाला देकर नए समाज का निर्माण करेगा। और सब हम जानते हैं जहां जहां भी शिक्षा पहुंची है, अच्छे संस्कार पहुंचे हैं, अच्छे विचार बने, वो देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ा है। और ये भारत में हम देख रहे हैं कि अगर श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमको एक अच्छी शिक्षा पद्धति देनी होगी ताकि हमारा विद्यार्थी यहां पर पढ़कर देश का गौरव करने का काम करे। अभी अनुराग जी ने कहा था और हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा था कि किस तरीके से भारत लगातार तेजी से हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये मैं देखता हूं जब मैं संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में जाता हूं तो जिस सम्मान के साथ भारत को देखते हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारत की जनता को केवल देश में नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर एक सम्मान दिलाया। सम्मान केवल आर्थिक युग से नहीं, आर्थिक जगत की अगर कल्पना प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आज भी हम कई देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उस आर्थिक प्रतिस्पर्धा को छोड़कर नए संस्कार के साथ, नए विचार के साथ किस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है उसकी दिशा देने का काम किया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए संपूर्ण देश के लोगों का सामूहिक रूप से संकल्प का योगदान इसके लिए विशेष है। हमने कोविड काल के समय देखा, ये कोविड चुनौती केवल भारत में नहीं थी, पूरे विश्व के अंदर कोविड काल की चुनौती थी और लगता था कि इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश के अंदर अगर कोरोना संक्रमण वायरस अगर समाज के देश के हर कोने में फैल गया तो हम इस चुनौती को कैसे निपटेंगे। हर देश का व्यक्ति चिंता था कि हमारे पास स्वास्थ्य के नए उपकरण नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक ठीक से नहीं पहुंची है, हम किस तरीके से चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन मैं भारत की 130 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत की जनता समर्पण और सेवा के माध्यम से इस समाज की किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम है। मुझे याद है कोविड काल के समय जब लोग अभाव में थे, पीड़ित थे, तो समाज की कोई व्यक्ति, व्यक्ति हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सिविल सोसाइटी हो, समाज हो, जिस तरीके से भी उन अभाव में रहने वाले लोगों ने सहायता की, चाहे भूखे से हो, चाहे भोजन पानी से हो, चाहे ठहरने से हो, चाहे दवा से हो, तमाम तरीके की, पूरा समाज सामूहिकता के साथ चुनौती करने के अगर सक्षम है तो विश्व के अंदर भारत है जो हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। और हमने कोविड को पराजित करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज देश के अंदर कोविड फैल रहा होगा लेकिन भारत में कोविड 19 की चुनौतियों को भी नियंत्रण करें और हमने हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने का काम भी किया है। मैं इस डीएवी विद्यालय के माध्यम से इतना आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक प्रण और संकल्प लेना चाहिए कि हम नए बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि समाज के जो उम्र दराज के लोग हैं, जो अभी भी अशिक्षित हैं, उनको हम किस तरीके से शिक्षित करें। मैंने इसलिए आग्रह किया है अध्यक्ष जी को
मैंने कहा कोटा बूंदी संसदीय सत्र में मेरा संकल्प है कि चाहे 90 वर्ष की हो चाहे 95 वर्ष की उम्र हो, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि वह शिक्षित हो, कुछ साइन करना लिख ले, पढ़ना लिख ले, लेकिन इस 3 साल के अंदर मैं मेरे संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए काम करूंगा और मुझे डीवी संस्थान के लिए इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आपके अध्यक्ष और मैनेजमेंट इस दिशा की ओर काम करेंगे ताकि हमारे सभी संसद सदस्य एक संकल्प लें कि समाज के हर वर्ग के अंदर हमने शिक्षा का उजाला पहुंचाया, ताकि समाज का व्यक्ति जब साइन करने लगे, पढ़ने लगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन एक नई दिशा भारत की बनेगी। और मैं इस मौके पर डीवी संस्थान के सभा पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महर्षि दयानंद जी के विचारों को समाज के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया और किस तरीके से महर्षि दयानंद जी के संकल्प थे कि समाज में व्यापक परिवर्तन लाना है तो शिक्षा का अलग जगाना है, इस दिशा के अंदर इस संस्थान में बेहतरीन काम किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामना बधाई और सभी वर्तमान विद्यार्थियों को और जो विद्यार्थी यहां से निकले उनको भी, और मैं उनसे एक ही आग्रह कहना चाहता हूं, जिस संस्थान से निकले उस संस्थान का हमें ऋण होना चाहिए, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा क्या सहयोग होना चाहिए, ये भी हमें समय समय पर करता रहना चाहिए। और मैनेजमेंट यही काम सोचता है, जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वह भी, जो पढ़कर निकल गए विद्यार्थी उनको एक साथ यूनाइटेड करें, एक साथ जोड़ें, ताकि हम सामूहिकता के साथ, संकल्प के साथ इस नए भारत के निर्माण की तस्वीर को खड़ा कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।